जब कोई आपके आसपास नहीं है जिससे आप पूछ सकते हैं कि कैसे करना है क्या करना है तो थोड़ा सा हर लेवल पे एंगजाइटी होती रहती है मैं जीएस पढ़ रही थी तो मुझे लगता था ऑप्शनल भी कर लूँ आंसर राइटिंग भी कर लूँ अब एस भी लिख लूँ तो इस सब में प्रीलिम्स खो गया पहले साल जब मैं लिखती थी तो मैं आंसर्स बहुत ख़राब तरीके से लिखती थी कोई स्ट्रक्चर नहीं कोई प्रेजेंटेशन नहीं और मैं हर एक मॉक टेस्ट देने जाती उससे पहले तो मैं रोती और जब देकर आती फिर भी मैं रोती बस मुझे लगता था मुझे कोई घर पहुंचा दे हाय एवरीवन मेरा नाम ऐश्वर्यम प्रजापति है और इस साल की सिविल सेवा परीक्षा में मैंने ऑल इंडिया रैंक दसवीं हासिल की है यह मेरा दूसरा अटैम्प्ट था और पहले अटैम्प्ट में मैं प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं कर पाई थी यूपीएससी क्लियर करना मेरा एक बचपन से सपना था इसके लिए मैं अलाहाबाद चली गई अलाहाबाद जाने का मेरा सोल पर्पज़ यही था कि मैं घर से दूर रहूँ और घर से आना जाना मेरा कम हो जाए ताकि कुछ ऐसे सात आठ महीने मुझे एकदम अलग से मिल जाएं जिसमें मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे सो so, तैयारी मैंने शुरू करी अक्टूबर में अक्टूबर 2021 में मैं अलाहाबाद चली गई और तब मैंने तैयारी शुरू करी आ, उससे पहले मैंने अपने पर्सनल लेवल पे बहुत सारा रिसर्च करके रखा कि मैंने बहुत सारे टॉपर्स की वीडियोज़ देखी उनकी स्ट्रैटी सुनी बुक लिस्ट निकाली क्या क्या सब्जेक्ट हैं हर एक छोटी बड़ी चीज़ कि कौन सा अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट किस जीएस के सब्जेक्ट से मैच करता है कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट में मार्क्स ज़्यादा आते हैं ये सारी ट्रिवेल चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए वो सारा मैंने पहले से ही देख कर रखा अपने उसी जॉब छोड़ के आने से एक महीने पहले और तैयारी शुरू करने के तक में इतना सब कुछ मैंने देख कर रखा और फिर मैंने अपनी तैयारी शुरू की अब बात ये थी कि तैयारी मैंने बहुत लेट शुरू करी थी आ, ऐसा है कि आप का जब भी यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है आपको उससे एक साल पहले का टाइम चाहिए होता है तैयारी के लिए क्योंकि सिलेबस काफ़ी बड़ा होता है तो बारह महीने का टाइम तो एक फ़िक्स टाइम है उतना तो आपको लगेगा ही लगेगा उससे कम तो मुझे नहीं लगता कि उससे कम में हो सकता है उससे ज़्यादा भले लग सकता है तो जब मैंने शुरू लेट में किया तो बहुत आ, मुझे पहले तो एंग्जाइटी थी घबराहट थी कि पहले तो चार पाँच महीने ऐसे ही मैं पीछे चल रही हूँ कोई भी बच्चा जो तैयारी कर रहा होगा अगर अगले जून में पेपर है तो वो पिछले जून से शुरू करेगा और मैंने जो है इतनी लेट कर दी अक्टूबर में क्योंकि अब जॉब मुझे एक्सपीरियंस चाहिए था तो मैं एक साल पर छोड़ कर आई थी आ, इसके साथ ही परेशानी ये थी कि टॉपर्स की वीडियोस आप कितनी भी सुन लें कितना भी स्ट्रैटेजी देख लें कोई एक आपको चाहिए होता है जो जिसने वो एग्ज़ाम देखा हो वो एग्ज़ाम दिया हो उस एग्ज़ाम का कोई तो स्टेज निकाला हो ताकि आपको उससे हिम्मत मिले कि अच्छा ठीक है इसको मैं जानती थी इसने एग्ज़ाम निकाला तो मैं भी निकाल सकती हूँ मैं इसके साथ पढ़ी थी या मैं इसके साथ खेली थी या ये मेरे किसी दोस्त का दोस्त है ऐसा कुछ सो so, ये सब मेरे केस में नहीं था कोचिंग की जब बात आई कि कोचिंग जाना है कि नहीं जाना है तो कोचिंग से मुझे बहुत डर लगता था हमेशा ही Uh, मैंने अपने uh, जब जे मेंस का एग्ज़ाम दिया था तब भी मैंने कोचिंग नहीं ज्वाइन की थी और इस बार भी कोचिंग से मुझे बहुत घबराहट होती थी जहां मैं बीस uh, पच्चीस बच्चे देख लेती थी पढ़ने वाले वहां मुझे बहुत घबराहट होती थी कि uh, मैं कैसे सवाल पूछूं क्या पूछूं मुझे अकेले में थोड़ा सही लगता था पढ़ाई करना तो वो भी ऑप्शन मेरा हट गया तो जब कोई आपके आसपास नहीं है जिससे आप पूछ सकते हैं कि कैसे करना है क्या करना है तो थोड़ा सा हर लेवल पे एंजाइटी होती रहती है धीरे धीरे शुरू किया खुद से ही मेन यही था यूट्यूब से टॉपर्स की वीडियोज़ निकाली स्ट्रेटजी निकाली बुक लिस्ट निकाली शुरू किया आ, जब मैंने स्ट्रैटीज़ देखी तब मैंने एक दो टॉपर्स के मुँह से ये सुना कि पहले मेंस की तैयारी करनी होती है और उसके बाद प्रीलिम्स की तैयारी करनी होती है सो so, क्योंकि अक्टूबर हो चुका था मई में मेंस में थे मई जून में तो मैंने सोचा कि मैं जैसा उन्होंने बोला कि मेंस की तैयारी करनी होती है तो मैंने मेन्स की तैयारी शुरू करी मेन्स की और ऑप्शनल की तैयारी शुरू करी ऑप्शनल एक इतना बड़ा सब्जेक्ट होता है और मेरे लिए उस टाइम इतना रहा ऑप्शनल को चूज़ करना इतना मुश्किल रहा कि मैं जोग्रफ़ी लेना चाहती थी पर मुझे मैप बनाना अच्छा नहीं लगता था मैं मैप्स नहीं बना पाती थी मुझे जगह के नाम नहीं याद हो पाते थे और फिर उसके बाद कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ कि दो चार टॉपर्स की स्ट्रैटी जो मैंने सुनी उन्होंने सबने सोशियोलॉजी लिया था सो मेरे दिमाग में पहला ऑप्शन जो आया वो सोशियोलॉजी था सोशियोलॉजी uh, मैंने लिया मैंने पढ़ना स्टार्ट किया और uh, एक कोई मेंटर जिनसे मैं कनेक्ट हुई जब मैंने उनसे पूछा कि क्या छः महीने में सोशियोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी तो उन्होंने मुझे बिल्कुल मना कर दिया कि बिल्कुल नहीं हो पाएगी तो मैं और घबरा गई कि ऑप्शनल सब्जेक्ट अब क्योंकि मेरे दिमाग में यही था कि पहले मेन्स की तैयारी करनी है मेन्स की तैयारी करनी है सो so, मैंने शुरुआत ही मेंस से करी प्रीलिम्स के लिए मैंने कुछ नहीं सोचा आ, मैंने एन एक बार पढ़ के छोड़ दी और मैं पूरा मेंस का सिलेबस निकाल के एक एक टॉपिक पे नोट्स बनाना टॉपर्स की कॉपीज से नोट्स कलेक्ट करना अपना पूरा कंटेंट जो स्ट्रक्चर होता है पूरा मैंने तैयार किया ये करते करते मुझे मार्च हो गया मार्च का महीना आ गया और मैंने इस टाइम तक टेस्ट भी लिखना स्टार्ट कर दिया था आ, मुझे हर चीज़ की बहुत जल्दी रहती है इसी चक्कर में थोड़ा सा मैं घबरा जाती हूँ तो मुझे हर चीज़ की जल्दी रहती है तो मतलब अगर मैं जी पढ़ रही थी तो मुझे लगता था ऑप्शनल भी कर लूँ आंसर राइटिंग भी कर लूँ अब एस भी लिख लूँ तो इस सब में प्रीलिम्स खो गया तो प्रीलिम्स की याद मुझे तब आई जब मार्च खत्म हो गया और अप्रैल आ गया अब क्योंकि प्रीलिम्स के लिए बहुत कम समय बचा था दो ढाई महीने का टाइम बचा था तो फिर मैंने प्रीलिम्स के लिए उठाया अपनी किताबें और पढ़ना शुरू किया लेकिन मेरा दिमाग मेंस में ही लगा रहता था क्योंकि आपकी मेरिट मेंस से ही बनती है सो so, प्रीलिम्स को मैं उतना समय नहीं दे पाई पहले बार में और जो वो एक क्यूरियोसिटी होती है जब आप नया नया पढ़ते हैं तो आपको मज़ा आता है नोट्स बनाने में और मैं उसी फेज में चल रही थी कि मैम मेरे लिए सब नया था तो मुझे नोट्स बनाने में मज़ा आ रहा था सोशोलॉजी so, पढ़ने में मज़ा आ रहा था मैं लेक्चर्स देखती थी सब कुछ मैंने किया बट प्रीलिम्स को मैं भूल गई और जब मैंने प्रीलिम्स की तैयारी शुरू करी और फिर मुझे पता था टेस्ट सीरीज़ देनी है तो टेस्ट सीरीज़ मैंने ख़रीदी और टिक करके मार्क्स भी नहीं कैलकुलेट करती थी ऐसे ही छोड़ देती थी दस बारह मैंने एक कहते हैं खाना पूर्ति किया नाम के लिए मैंने दे के छोड़ दिया तो मुझे पता तो था अंदर से कि ठीक है मेरा प्रीलिम्स नहीं निकलेगा और मैं शुरू से ही सोच रही थी कि पहले मैं मेन्स ही करूँगी चाहे कुछ भी हो जाए तो जब प्रीलिम्स था उसके एक हफ़्ते दस दिन पहले ही रिज़ल्ट आया आ, पिछले साल के टॉपर्स का और जब मैंने उनकी स्ट्रेटजी सुनी तो मैं और घबरा गई मैंने सोचा मेरा प्रीलिम्स तो अब नहीं होगा तो एक ये मेरी गलती मुझे लगती है कि एक जो पहले से हार मान जाना भले ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो ना हो तैयारी कैसी है कैसी नहीं है ये सब तो बाद की बातें हैं लेकिन अंदर से जब हार मान जाते हैं तो फिर मामला बिगड़ जाता है यही मेरे साथ हुआ मैंने अंदर से ही सोच लिया कि नहीं होगा हालांकि ऐसा नहीं था कि मैंने पढ़ा नहीं था पढ़ा था बट हाँ क्वालिफाई करने के लेवल की तैयारी शायद नहीं थी लेकिन जो मैं अंदर से हार मान गई जब मैंने दूसरा प्रीलिम्स दिया तब मुझे समझ में आया कि क्या माइंड गेम है क्या मैंटालिटी होनी चाहिए तब मुझे समझ में आया कि क्योंकि मेरे फादर हमेशा बोलते थे कि एक दिमाग का खेल है अगर आप जितना मेंटली स्टेबल हो करेंगे पेपर जितना आप अपना सोचने समझने की शक्ति का इस्तेमाल करेंगे आप क्लियर कर लेंगे तो मैं उन्हें बोलती थी कि ऐसा नहीं होता है जिसको आता है वही कर सकता है नॉलेज होगी जिसको वही कर सकता है ये दिमाग दिमाग का खेल नहीं होता बट ऐसा नहीं है नॉलेज लगभग लगभग सबको उतनी ही होती है उसके बाद आपने अपना दिमाग कैसे यूज़ किया पेरीफेरल नॉलेज कैसे यूज़ की वो काम आता है सो so पहले साल में कंटेंट बनाते बनाते सिलेबस कंप्लीट करते करते हो गया प्रिलिम्स uh, तक आते आते मैं बहुत रिलैक्स में हो गई थी नहीं निकलेगा नहीं निकलेगा एक दो दोस्तों से रो भी लेती थी नहीं निकलेगा नहीं निकलेगा सो मुझे कहते थे वो लोग कि तुम पहले से ही क्यों सोचती हो कि नहीं निकलेगा तो मेरे दिमाग में ही रहता था कि मेरी तो प्रिपरेशन नहीं हुई है और मेरे साथ यही सबसे बड़ी जो है अगर मैंने अपने हाथ से चीज़ें करके रखी हैं तो ही मुझे भरोसा है कि मेरा होगा मैं मेंस पे मेरा पूरा भरोसा था कि मेंस मैं निपटा लूँगी क्योंकि मैंने उसे छः सात महीने देकर अपने हाथ से करा था प्रीलिम्स क्योंकि मैंने मुझे अंदर से पता था ईमानदारी से कि मैंने पढ़ा नहीं है तो नहीं होगा ये सब करते करते पाँच जून दो को मेरा प्रीलिम्स था और मैं अलाहाबाद में थी प्रीलिम्स के एक दो दिन पहले मेरी थोड़ी सी घबराहट की वजह से तबीयत खराब हो गई और मेरी मम्मी मुझे एग्ज़ाम दिलाने ले गई थी सो जैसा कि जब दिमाग में वही चल रहा था कि नहीं होगा नहीं पढ़ा है और पेपर देखते ही मुझे पता चल गया कि मेरा नहीं होगा और बिल्कुल वैसे ही उसी मन से मैं पेपर देकर आ गई कैसे भी करके और आकर मैं अपने घर लखनऊ चली आई और फिर मैं यही सोचती थी कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा काफ़ी जो है कि दिमाग में चलती रहती थी ये बात ऐसा नहीं था कि मैंने ये सोचा कि मैं में मेंस की प्रिपरेशन कर लूँ मैं रुकी रही अपने प्रीलिम्स के रिज़ल्ट के लिए प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आया और प्रीलिम्स में जैसे कि मुझे लगा था कि नहीं होगा मेरा क्लियर नहीं हुआ सो so, उस टाइम भले ही आपको पता है कि आपकी गलती थी आपने नहीं पढ़ा लेकिन दुख बहुत होता है आ, मुझे भी बहुत दुख हुआ और घर वालों के सामने थोड़ा सा लगता है कि आपने जो है कि नौकरी छोड़ी और एक साल तैयारी भी करी आपको जो कहा वो मुझे दूसरे शहर भी ले गए और सब कुछ हुआ पर मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला आ, मेरे पापा को थोड़ा सा ये उम्मीद थी कि मैं फर्स्ट टाइम में निकाल लूँगी क्योंकि शुरू से थोड़ा मैं पढ़ाई की तरफ ही ज़्यादा झुकाव रहा है मेरा और ठीक ठाक मैंने अच्छा परफॉर्म किया है हर एक स्टेज में तो उन्हें ये लगा था कि जब ये इसका पढ़ाई का जो ट्रैक है बहुत क्लियर है तो ये पहली बार में निकाल लेगी बट ऐसा नहीं हुआ मैं नहीं निकाल पाई और मेरे दिमाग में भी ये था कि जो सीरियस बच्चे होते हैं वो या तो पहले अटैम्प्ट में या दूसरे अटैम्प्ट में निकाल लेते हैं तो ये भी मेरे दिमाग में बहुत बड़ी चीज़ बैठी हुई थी तो काफ़ी एक होता है क्योंकि मुझे अंदर से पता था कि नहीं होने वाला है तो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा मुसीबत तो नहीं आई लेकिन हाँ अंदर अंदर दुख तो खैर मुझे बहुत हुआ फिर उसके बाद ये सोचा कि अब दूसरा अटैम्प्ट तो देना ही देना है और क्योंकि टाइम कम था जब मैंने पहली बार प्रिपरेशन की तो मैंने सोचा कि मैं अब ये पूरा फुल साइकिल प्रिपेयर करके एक बार दूंगी एग्ज़ाम इस बीच मुझे मेरी कंपनी से एक बार कॉल भी आया था कि दोबारा रिक्रूटमेंट हो रहा है और क्या आप करना चाहेंगे सो so, मैंने तब सोचा कि मैं क्या करूँ क्या करूँ uh, तो मैंने उन्हें बोला नहीं कि मैं नहीं ज्वाइन करना चाहती मैंने बोला मैं बताऊँगी फिर कुछ टाइम बाद उन्होंने फ़ोन करा कि नहीं हम uh, अर्जेंट हमें बताइए तब तो फिर मैंने फिर ये डिसीजन लिया ये कॉल लिया कि नहीं uh, अभी क्योंकि मेरे पास टाइम है और uh, मैं कर सकती हूँ मैंने कुछ कुछ अपना फाइनेंसेस अपने बचा के रखे थे अपने इसी टाइम के लिए कि मैं थोड़ा सा एक uh, एक दो साल का प्रिपरेशन जब तक मेरा अंदर से आवाज़ नहीं आती कि नहीं हो पाएगा वो वाला फेज़ तो मैंने खैर उन्हें मना किया और फिर प्रिपरेशन के लिए मैं लखनऊ आ गई एक महीने का गैप लेकर मैंने प्रिपरेशन लखनऊ में स्टार्ट करी लखनऊ में थोड़ी सी ये प्रॉब्लम हुई कि घर में पढ़ाई मुश्किल होती है मुझसे मैं घर में पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर पाती हूँ घर में मेरी एक छोटी बहन है काफ़ी छोटी है स्कूल जाती है तो मैं पढ़ नहीं पाती हूँ घर में सो so, फिर ये हमने सोचा मेरी मम्मी ने ये हमें आइडिया दिया कि हम तुम्हें एक छोटा सा रूम दिला देते हैं आस पास और तुम वहाँ पे रहो तो पहले तो हमने अपनी कॉलोनी में रूम ढूंढा वहाँ नहीं मिला तो कुछ दूर पे एक रूम लिया पर थोड़ा सा ये प्रॉब्लम रहती थी कि मेरे मम्मी पापा को बार बार आना पड़ता था मुझे हर टाइम खाना देने के लिए और मैं क्योंकि अलाहाबाद में रहकर आई थी सात आठ महीने और बाहर का खाना खाकर मेरी हेल्थ भी बहुत डिटेरेट हो गई थी उस टाइम सो so, वो घर से लाते थे खाना वगैरह तो दो ढाई महीने मैं थोड़ा घर से दूर ही थी आ, मुझे बार बार हर चीज़ देने आते थे शाम की चाय खाना नाश्ता फिर फाइनली मेरी मम्मी ने मुझे अपनी ही कॉलोनी में अपने घर के जस्ट पाँच मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे रूम दिलाया और मुझे लगता है कि वो जो डिसीजन था वो सबसे बेस्ट था मेरी लाइफ का क्योंकि कितना भी हम अंदर से स्ट्रांग रहें कि हम घर से दूर रह के पढ़ लेंगे मैंने जब अलाहाबाद में तैयारी करी सो so, मैंने मैं प्रीलिम्स देकर ही वापस आई लेकिन आने के बाद एक इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है कि इतने दिन बाद आप घर आए हैं और फिर एक महीने तक मैंने कोई पढ़ाई नहीं करी एक डेढ़ महीने तक मैं सिर्फ और सिर्फ अपने घर में अपने पेट के साथ अपनी बहन के साथ ही खेलती रह गई so, सो ये मुझे जो वैक्यूम लगा कि आप जब डिटैच हो जाते हैं अपने पेरेंट्स फैमिली से तो बहुत प्रॉब्लम होती है मुझे जब मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ उसके बाद मुझे बहुत फ़ील हुआ Uh, तो सबसे बेस्ट डिसीजन जो मैं अपनी मम्मी का मानती हूँ वो यही है कि उन्होंने मुझे अपनी ही कॉलोनी में रूम दिला दिया हालांकि लोग इस बात को मानते ही नहीं कि जो बाहर के लोग हैं जो जानते नहीं वो मानते ही नहीं कि मैंने अपनी कॉलोनी में रूम लिया था तो मैं फिर वहाँ रहने लगी uh, दोबारा मैंने तैयारी शुरू करी क्योंकि एक बार प्रीलिम्स फेल हो चुकी थी मैम सो so, इस बार थोड़ी सी कॉशियस थी मैं पर मैंने अपनी स्ट्रेटजी चेंज नहीं की स्ट्रैटेजी इसलिए चेंज नहीं की क्योंकि मुझे भरोसा था कि मेंस तो पहले करना ही करना है ऑप्शनल पहले करना ही करना है आंसर राइटिंग पहले करनी ही करनी है क्योंकि प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद जो तीन महीने होता है उसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे तो वही स्ट्रैटेजी फॉलो करते हुए लास्ट ईयर की स्ट्रैटेजी मैंने मेंस से स्टार्ट किया मेंस की पढ़ाई करी दिसंबर uh, जनवरी तक मैं पूरा मेंस के लिए फोकस्ड रही बहुत सारी आंसर राइटिंग मैंने करी uh, मेरा हमेशा से प्लानिंग बहुत परफेक्ट रहती थी अपने लिए कि मुझे पता रहता था कितना टाइम किसे देना है कितना टाइम किसे देना है तो इसलिए अपना रूटीन मैंने बनाया मैं लैपटॉप में एक स्प्रेडशीट में इवन लिखती भी थी कि मैंने किस दिन कितने घंटे पढ़ाई करी और अपना मैंने स्प्रेडशीट में कैलकुलेट करके रखा था कि मुझे एक म, हर महीने दस घंटे का एवरेज चाहिए और अगर मैं दस नहीं कर पाती हूँ तो आठ के पार मुझे जाना ही जाना है तो ये चीज़ जो ये मैं करती थी इससे मुझे थोड़ा सा एक स्ट्रेंथ मिलती थी हाँ कि मुझे लगता था कि चलो ठीक है ये आठ घंटे मैंने पढ़े कल मैंने दस घंटे पढ़े थे कल ग्यारह पढ़े थे आज छः पढ़े हैं थोड़ा सा एक मुझे मेंटली मुझे बहुत खुशी रहती थी जब मेरा टाइमर दिखाता था कि आठ घंटे कम्प्लीट हो गए मैं थोड़ा फोकस्ड रहती थी क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रिलम्स फेल हो चुकी थी सो so कोई डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ मेरे अंदर थी नहीं तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई पढ़ाई करने में कि बच्चे बोलते हैं कि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं सोशल मीडिया चलाते हैं इवन मैंने पढ़ाई के दौरान ही इंस्टाग्राम चलाना शुरू किया था जब मैं पहला प्रीलिम्स फेल हो गई थी तो आ, मैं थोड़ा फोकस्ड थी इस वजह से अगर मेरा टाइमर आठ घंटे दिखाता था तो वो मान के चलिए कि वो आठ घंटे मैंने बहुत फोकस के साथ पूरी फुल प्रोडक्टिविटी में दिए हैं सो so, ऐसे स्प्रेडशीट बना कर रखती थी और हर दो तीन दिन पर देखती थी बहुत मुझे उससे हिम्मत मिलती थी ये मेरी छोटी छोटी ट्रिक्स थी जो मुझे हिम्मत देती थी और जो चीज़ें मैं अपने आप को हिम्मत दिलाने के लिए करती थी वो ये था कि मैं अपनी दीवार पे चिपका के रखती थी कि किस टेस्ट में मुझे कितने मार्क्स मिले हैं और प्रीलिम्स के टेस्ट में अगर मुझे नब्बे से ऊपर मिलते थे तो मैं रेड पेन से हाईलाइट कर देती थी तो सोते टाइम जब मैं देखती थी कि दस में से चार में नब्बे मिले हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता था इसी तरीके से छोटी छोटी ट्रिक्स से आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं जैसे मैं करती थी पढ़ाई शुरू करी मैंने दिसंबर तक मैंने मेंस पढ़ा आंसर राइटिंग बहुत सारी करी और बहुत सारे टॉपर्स की कॉपीज़ का मैंने सहारा लिया और आंसर राइटिंग सीखने में मुझे बहुत टाइम लगा पहले साल जब मैं लिखती थी तो मैं आंसर्स बहुत ख़राब तरीके से लिखती थी कोई स्ट्रक्चर नहीं कोई प्रेजेंटेशन नहीं लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से दिसंबर जनवरी तक मैं एकदम स्पॉन्टेनियस हो गई थी कि कोई भी क्वेश्चन दे दो तो मैं आंसर लिख देती थी अच्छा और थोड़ा सा एक आ, मेरे मार्क्स में इम्प्रूवमेंट आना शुरू हुआ Uh, क्योंकि मैंने बताया कि uh, मेरे साथ ऐसा कोई जानने वाला है या कोई था नहीं जिसको जिससे मैं बात कर सकती थी एक मेरे फ्रेंड थे आदित्य दोहर जो ऑलरेडी uh, सर्विस में थे उस टाइम और वो प्रिपेयर भी कर रहे थे तो उन्होंने uh, मेरे प्रीलिम्स जब मैं फ़ेल हो गई थी या मैं पास नहीं कर पाई थी उसके बाद मैं उनके टच में आई तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने मुझे बताई और uh, वहाँ से मेरा थोड़ा सा एक फील हुआ कि जब एक आपके बैच के स्टूडेंट ने आपके बैच के साथी ने जब कि एग्ज़ाम क्लियर कर लिया दो दो बार इंटरव्यू क्लियर कर लिया तो लगता था कि जब उन्होंने किया तो मैं भी कर लूँगी क्योंकि मैं उन्हें जानती थी सो so, उन्होंने बहुत हेल्प करी फिर धीरे धीरे मैंने पढ़ाई जब अपनी ट्रैक पे लाई प्रीलिम्स के बाद दिसंबर तक मैंने पूरा का पूरा अपना टाइम सोशोलॉजी जो कि मेरा ऑप्शनल था और मेन्स को डिवोट किया और टेस्ट सीरीज़ को अपना ट्रैकिंग पॉइंट बना लिया Uh, कोई भी ऐसा चीज़ जो मैं ट्रैक करती थी डेली बेसिस पे वो मेरे टेस्ट सीरीज़ के मार्क्स थे उनके कमेंट्स थे वही एक ऐसी चीज़ थी जिससे मुझे पता चलता था कि मैं सही पढ़ रही हूँ कि गलत पढ़ रही हूँ सोशोलॉजी uh, जैसे कि ऑप्शनल जो होता है वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है आप पढ़ते पढ़ते खो जाएंगे आप क्या पढ़ रहे हैं सिलेबस में क्या है आपको पता नहीं चलेगा लेकिन मेरा एक ही टूल था इवेल्यूशन का वो था आंसर राइटिंग मैं आंसर लिखती थी और अगर मेरे मार्क्स अच्छे आते थे सो मैं उसी पॉइंट पर समझ जाती थी कि ठीक है मेरी पढ़ाई उसी ट्रैक पे है जिस ट्रैक पे बाकी लोग पढ़ रहे होंगे तो ये एक कंपैरेटिव टूल मैंने अपने लिए डिवाइस किया था उसी टेस्ट सीरीज़ के अकॉर्डिंग मेरा रूटीन बनता था अगर टेस्ट जोग्राफ़ी का होना है तो मैं जोग्रफ़ी पढ़ती थी अगर टेस्ट पॉलिटी का होना है तो मैं पॉलिटी पढ़ती थी इससे ये डिसिप्लिन जो मेरा बन गया टेस्ट को फॉलो करने से ये शायद जो बच्चे घर में अकेले मेरी तरह पढ़ते हैं वो डिसिप्लिन नहीं बन पाता कि कब क्या पढ़ना है सो so, टेस्ट को फॉलो करने से एक डिसिप्लिन बन गया और डेली आठ से दस घंटा ट्राई करती थी मैं देने का पढ़ाई को और बहुत ही आसानी से बहुत ही ईमानदारी से मैं ये बात बता रही हूँ कि आठ से दस घंटे बिल्कुल पता नहीं चलते हैं अगर आप अपनी फैमिली से अपने दोस्तों से कट ऑफ नहीं रहते हैं तो Uh, मैं घर के पास थी मैं दिन भर में तीन चार चक्कर मारती थी अपने घर के सुबह चाय पीने गए दोपहर में खाना खाने गए शाम को चाय पीने गए रात को खाना खाने गए कभी एग्ज़ाम आ गया दो एक दो महीने पहले तो मम्मी पापा लेकर आते थे शाम की चाय नाश्ता जो भी है जो भी चीज़ें बहुत बहुत सुविधा हो गई मुझे कि बहुत सारी ऐसी ट्रिवियल चीज़ें जो अगर आ, हम कहीं बाहर जाकर रहें दिल्ली रहें कोचिंग कर रहे हैं पीजी लेकर रह रहे हैं तो कितनी सारी चीज़ों की हमें खुद को ध्यान देना पड़ता है वो सारा टाइम जो था वो मेरा बहुत सेव हुआ क्योंकि मुझे कभी नहीं सोचना पड़ता था कि आज मेरा खाना क्या है आज मेरे कपड़े कहाँ से धुल रहे हैं ये सारी चीज़ें मेरी मम्मी ने बहुत अच्छे से मैनेज करी और फिर मैंने जो है कि दिसंबर के बाद आया जनवरी उस टाइम पर मैंने ये डिसाइड किया कि अब जो है मुझे प्रीलिम्स की तैयारी करनी है पिछली वाली गलती नहीं करनी है कि मेंस के साथ ही लगे रहना है फिर मैंने प्रीलिम्स को उठाया और प्रीलिम्स के सारे सब्जेक्ट्स को मैंने पढ़ना शुरू किया आ, जब तक मैं कोई भी चीज़ दस बीस बार नहीं पढ़ लेती मुझे याद नहीं होती और इसको मैं अपनी वीकनेस भी मानती हूँ और इसको अब मैं अपनी स्ट्रेंथ मानने लगी हूँ रिजल्ट आने के बाद Uh, क्योंकि मेरा जो नंबर ऑफ़ टाइम्स का रिवीजन का था वो बहुत ज़्यादा रहता था जैसे कि मैंने लक्ष्मीकांत uh, तीस बार पढ़ी है मैं अपने हर एक नोट्स में डॉट लगाती थी कि कितनी बार पढ़ी है और जितने डॉट्स होते थे मैंने उतनी बार उसको पढ़ा होता था रिवाइज़ किया होता था तो, तो लक्ष्मीकांत में मैंने रिजल्ट के बाद गिना था तो मेरे पास थर्टी डॉट्स थे और स्पेक्ट्रम को गिना था तो उस पर भी ट्वेंटी फाइव डॉट्स थे तो मैंने इतनी बार पढ़ा था उसे और यही कोशिश थी मेरी कि प्रीलिम्स में जो चीज़ें मेरे हाथ में हैं एन सी की किताब हो गई स्पेक्ट्रम की किताब हो गई लक्ष्मीकांत हो गई कोई भी ऐसी किताब जो मेरे हाथ में है उसमें से अगर क्वेश्चन आया और अगर गलत हो गया तो मतलब बहुत बड़ा पाप लगेगा तो मैंने ये इसलिए मैं नंबर ऑफ़ रिविजन्स मेरे बहुत ज़्यादा थे जो कि मुझे बहुत हेल्प किया इसके अलावा मैंने टेस्ट सीरीज़ लगाना शुरू किया और टेस्ट सीरीज़ जैसा पिछली बार मैंने गलती करी थी कि सिर्फ नाम के लिए लगाए थे इस बार मैंने सौ डेढ़ सौ टेस्ट सीरीज़ लगाई हर एक कोचिंग की कोई भी ऐसी कोचिंग नहीं है आ, आ, दिल्ली की जिसका नाम अच्छा खासा ना हो और मैंने उसकी कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ ना लगाई हो प्रीलिम्स के लिए सो बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ मैंने लगाई और उनको लगाने के बाद उनसे जो चीज़ें मुझे नहीं आती थी उनका मैंने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बैंक तैयार किया उसको रिवाइज़ किया और बहुत ही अपने आप को कूल और काम रखने की कोशिश करी क्योंकि पिछली बार जब प्रीलिम्स दिया था तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी उसी टाइम सो इस बार मैंने पहले से ही समझ लिया था कि मुझे कुछ भी करना है तबीयत तो नहीं ख़राब करनी है और फिर प्रीलिम्स दिया और काफ़ी शांत मन से मैं देकर आई थी हालांकि प्रीलिम्स बहुत टफ था उस टाइम 2023 का 26 मई को था मेरे ख्याल से प्रीलिम्स और सुनने में भी आया मतलब काफ़ी लोगों ने ये कहा कि बहुत टफ था बहुत टफ था सी सैट भी टफ था बट मैं क्योंकि मैं एक बहुत ही स्टेबल माइंड से गई थी तो जो भी पेरीफेरल नॉलेज मेरी कहीं से भी न्यूज़पेपर से या फिर टेस्ट सीरीज़ से या मेरे क्वेश्चन बैंक से जो भी मैंने तैयार की थी वहाँ पर मुझे बहुत काम आई और फिर मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया जैसा पिछली बार मुझे लगा था पेपर देते टाइम कि मेरा नहीं होगा इस बार मुझे वो फीलिंग नहीं आई आ, मुझे लगा था कि प्रीलिम्स मेरा क्लियर हो जाएगा सी सैट में थोड़ा सा मुझे डाउट लगा था क्योंकि मेरे किन्हीं फ्रेंड ने जब मैच किया था मेरा आ, आ, की आंसर की से तो एक क्वेश्चन के बॉर्डर पर थी मैं सी सैट में और एक क्वेश्चन के बाद अगर वो क्वेश्चन सही होता तो मेरा सी सैट क्लियर हो जाता वो क्वेश्चन गलत होता तो मेरा सी सेट क्लियर नहीं होता सो so, मतलब बॉर्डर पे थे हम लोग मतलब मैं बॉर्डर पे थी क्लियर करने और ना करने के फिर थैंकफुली प्रीलिम्स क्लियर हो गया अब कहते हैं कि आपने पहले जंग से पहले कितना पसीना बहाया है वो uh, आप जंग में आपका कितना खून बहेगा वो डिपेंड उस पर करता है सो so, मैंने ये फील किया मेरे साथ यही हुआ uh, पहले का मेरा जो भी uh, फ़र्स्ट अटैम्प्ट में जो मेंस की तैयारी थी सेकंड अटैम्प्ट में जो मेंस की तैयारी थी और जो मेरा बहुत ज़्यादा फोकस आंसर राइटिंग पर रहा था उसने मुझे इतना ज़्यादा हेल्प किया कि जो प्रीलिम्स से लेकर मेंस के बीच के तीन महीने थे वो मेरे ऐसे रहे जैसे नॉर्मली पढ़ाई चलती है कोई भी मैंने स्ट्रेस नहीं लिया क्योंकि कॉन्फिडेंस था अंदर से कि मेरा सिलेबस पूरा है आंसर्स लिखे हैं मेरे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं पूरा फुल कॉन्फिडेंस था ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था कॉन्फिडेंस था कि मेंस तो कैसे ना कैसे मैं तो निकाल ही लूँगी मेंस सो मेंस के लिए फिर वही मैंने प्रीलिम्स uh, से मेंस के बीच में ज़्यादा आंसर राइटिंग नहीं करी मैं ऑलरेडी सौ uh, से एक सौ पच्चीस आंसर मार्क टेस्ट दे चुकी थी फुल लेंथ तीन तीन घंटे के सो so, मेरा काफ़ी ज़्यादा आंसर राइटिंग में uh, सही हो चुकी थी मेरी चीज़ें सो so, मैंने वो साढ़े तीन महीने बहुत ही आराम से मेरे निकले और जब मैं में मेंस देने गई तो जब मैं मॉक पेपर्स देती थी अपने घर में ही बैठकर देती थी कभी भी मेरे मॉक पेपर्स टाइम पर नहीं निकलते थे मतलब टाइम पर नहीं होते थे कभी टेन मिनट्स कभी पंद्रह मिनट इवन सोशियोलॉजी के मॉक टेस्ट मैंने आधे आधे एक एक घंटे लेट सबमिट किए थे क्योंकि टाइम बहुत लगता था पर जब मैंने मेन्स लिखा मेरा हर एक पेपर पाँच मिनट पहले ख़त्म हुआ और मेरा एथिक्स का पेपर पाँच मिनट पहले ख़त्म हुआ और मुझे इतनी घबराहट हुई कि एथिक्स का इतना बड़ा पेपर पाँच मिनट पहले कैसे ख़त्म हो सकता है मैंने कुछ छोड़ा होगा कुछ क्वेश्चन मेरा मिस हो गया होगा आ, पर मेरे एथिक्स में काफ़ी ठीक ठाक मार्क्स आए काफ़ी अच्छे मार्क्स आए सो तब मुझे पता चला कि वो जो मेहनत थी जो सब लोग बोलते थे एक साल चला गया एक साल चला गया दूसरे दूसरे साल का प्रिपरेशन तब मुझे पता चला कि दूसरे साल से ज़्यादा जो चीज़ काम आई थी वो पहले साल का फाउंडेशन काम आया था जो मैंने घर से अलग रह के सात आठ महीने एकदम फोकस करके अपना मेंस और ऑप्शनल प्रिपेयर किया था वो काम आया था दूसरे साल तो मैंने बस उसे पॉलिश किया था थोड़ा सा तो मेन्स के बाद मुझे था कि मेरा निकल जाएगा मेन्स क्लियर हो जाएगा कॉन्फिडेंस था और इसलिए मैंने थोड़ा बहुत देखना शुरू किया कि इंटरव्यू में डैफ में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं क्या क्या चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं हालांकि जब मेंस का निकल मेंस का रिजल्ट आने का दिन था तो जब पता चला कि अब मेंस आने वाला है मैं किसी ग्रुप में थी और उस ग्रुप में बताया गया कि आने वाला है रिजल्ट आने वाला है ऐसे सब में बातें शुरू हो गई और मेंस का रिजल्ट आ गया और मैं सिर्फ रोती रही रोती रही ये मेरे साथ हमेशा होता है कि मैं रिजल्ट के पहले रोती जरूर हूँ तो मैं रो रही थी अब मुझे अंदर से पता था मेरा हो जाएगा मेरा होने वाला है पर मैं बहुत रोई मेरे पापा ने मेरे पापा मुझे बुला रहे हैं कि आओ हम लोग देखते हैं साथ में देखते हैं साथ में मैंने बोला मैं नहीं देखूँगी मैं नहीं देखूंगी फिर मेरी बहन ने रिजल्ट देखा और फिर उसने कॉल किया उसने बोला तुम्हारा हो गया अब तुम चुप हो जाओ आ, फिर मैं चुप हुई खैर वो तो एक प्रिडिक्टेबल था कि मेन्स का क्लियर हो जाएगा इंटरव्यू के लिए फिर वही तैयारी शुरू हुई जो भी प्रोसेस होता है कि आप डेफ के जितने भी चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं उनके बारे में आप प्रिपेयर करिए और ये सारी चीज़ें हुई आ, थोड़ा सा जो मुझे परेशानी हुई वो इंटरव्यू के ही फेज़ में हुई क्योंकि मैं घर पे ही रह रही थी चार दीवारी के अंदर मेरी पढ़ाई चल रही थी कोचिंग मैंने कभी देखी नहीं थी मैं दिल्ली आई पहली बार दूसरी बार जब मुझे मॉक टेस्ट देने थे और तब मैंने अपनी लाइफ में पहली बार किसी कोचिंग में कदम रखा था आज तक मैंने कोचिंग देखी भी नहीं थी आ, कि कैसी होती है अंदर से कैसे क्लासेस कैसे चलते हैं बच्चे क्या पढ़ने आ रहे हैं कुछ नहीं बस इतना पता था कॉलेज स्कूल में कि हाँ कोचिंग जा रहे हैं हाँ ठीक है ये कोचिंग जा रहे हैं वो कोचिंग जा रहे हैं इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हैं मेडिकल के लिए पर मैं कभी गई नहीं थी सो so, जब मैं आ, आई मॉक टेस्ट देने कोचिंग में और जब बच्चे ढेर सारे डाउट्स पूछ रहे थे टीचर से मुझे बहुत एंजाइटी बहुत घबराहट हुई और मैं हर एक मॉक टेस्ट देने जाती उससे पहले तो मैं रोती और जब देकर आती फिर भी मैं रोती बस मुझे लगता था मुझे कोई घर पहुंचा दे सो so, थोड़ा सा एक कोचिंग का मुझे इतना माहौल Uh, बहुत इंटीमिडेट कर देता था बहुत डरावना मुझे लगता था खैर ऐसा होता नहीं है uh, मेरा पर्सनल थोड़ा सा एक्सपीरियंस uh, ऐसा मतलब हो गया पता नहीं कैसे कि मुझे डर लगता था वो एक हफ़्ते का टाइम जब मैं दिल्ली में थी वही मेरे लिए सबसे कठिन टाइम था पूरी प्रिपरेशन के दौरान दो साल की इतना डर इतनी एंजाइटी और इतनी घबराहट मुझे पहले मेन पहले प्रीलिम्स फेल होने पे भी नहीं हुई जितना मुझे एक हफ़्ते मॉक टेस्ट मॉक इंटरव्यू देने में हो गई सो so, डर बहुत लगता था कि मुझे लगता था मैं तो अपना नाम भी नहीं बता पाऊँगी और इधर उधर से सुनते ही हैं हम लोग कि इंटरव्यू बहुत टफ़ होता है और वहाँ पर बहुत जो है कि ऐसे सवाल पूछ लेते हैं कि आप बता नहीं पाएंगे और उसके ऊपर से सबसे बड़ी चीज़ ये हो गई कि आ, मुझे एग्जैक्ट एक महीने का टाइम मिला था मेरा इंटरव्यू फ़ेज़ वन में था तो एक और घबराहट हो गई मेंस में तो कंटेंट पता है सिलेबस पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं इंटरव्यू में कुछ है ही नहीं इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा कैसे पूछा जाएगा तो फिर वही एक थोड़ा सा पीरियड था टाइम पीरियड जो मुझे बहुत परेशानी हुई थोड़ा सा इमोशनल लेवल पर बहुत परेशानी हुई इमोशनल चैलेंजेस हुए उस टाइम पर मुझे कि मैं अप नहीं कर पा रही थी कि मॉक टेस्ट देने जाना है जाने आने में ही मतलब इतनी घबराहट फिर खैर मैंने इसी यही कारण था कि मैंने ज़्यादा मॉक टेस्ट नहीं दिए तीन चार मैंने मॉक टेस्ट दिए और फिर मैं आ गई और फिर फाइनली पर जब मैं यूपीएससी का रियल इंटरव्यू देने गई अपने 19 जनवरी को उस दिन मैं बहुत शांत थी आ, बहुत ज़्यादा शांत थी आ, जो भी लोग वहाँ पर आए थे मेरे साथ में इंटरव्यू देने वो सब लोग कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है कोई कुछ पढ़ रहा है और मैंने सब कुछ छोड़ दिया था मैंने कुछ नहीं पढ़ा मैंने सोचा अब ये अंत होने वाला है अब इसका यूपीएससी जर्नी का मेन्स का मुझे थोड़ा सा ये था कि क्योंकि मेरी तैयारी अच्छी थी और मैंने एक कहते हैं कि अपना सब कुछ मेंस में लगा दिया था मैंने जितनी मैं जितने हाईएस्ट लेवल पे मैं अपने आप को खींच सकती थी पढ़ाई में वो मैंने मेंस के लिए ऑप्शनल के लिए अपने पढ़ाई के टाइम पे मैंने अपने आप को बहुत अपने बियॉन्ड लिमिट्स पुश किया था सो so मुझे ये चीज़ का कॉन्फिडेंस था कि अगर मेरे इंटरव्यू में नंबर कम भी होते हैं तो मेरा मेंस बचा लेगा मुझे और मुझे लगता है कि आखिरी में मेरे साथ हुआ भी वही और मेरे मेन्स ने मुझे बचा लिया इंटरव्यू uh, का दिन बहुत अच्छा था अच्छे से इंटरव्यू हुआ कुछ ऐसा नहीं था कि आ, बहुत डर लगा या कुछ जब रियल एक्सपीरियंस हुआ तो बहुत ही कूल बहुत ही काम बहुत ही स्टेबिलिटी के साथ हुआ इंटरव्यू और उसके बाद फिर मुझे लगा कि अब इस बार शायद मेरा नाम लिस्ट में आ जाए जाते जाते मैं जोश स्टॉक के प्लेटफॉर्म को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि इन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आपको अपनी स्ट्रैटी बता सकूँ Uh, जो भी डाउट्स होते हैं एस्पिरेंट्स के वो बहुत ही लाजमी है कभी ऐसा ना सोचें कि ये डाउट जो है कि uh, गलत है या मेरे मन में नहीं आना चाहिए छोटी से छोटी बात की हैंड राइटिंग कैसी होनी चाहिए या पेन कौन सा यूज़ करना चाहिए कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको पूछना नहीं चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं क्यूरियोसिटी वाली चीज़ें हैं इतने बड़े एग्ज़ाम को आप देने जा रहे हैं अगर कोई इसका आंसर देता है तो बहुत अच्छी बात है और ये प्लेटफॉर्म से मैंने अपनी स्ट्रैटी शेयर करी है इससे शायद आप लोगों को कुछ तो फ़ायदा मिलेगा यही मैं उम्मीद करती हूँ धन्यवाद हेलो एस्पिरेंट्स हम में से बहुतों का सपना है आई ऑफिसर बनना लेकिन ये जर्नी बहुत मुश्किल है हम प्रेपरेशन कहां से स्टार्ट करें? कौन सा यूज करें? कोचिंग और इसलिए बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने जोश से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स को हेल्प कर सकते हैं उनकी इस जर्नी में जोश टॉक्स पर बहुत कोचिंग्स आती हैं अपनी कहानियां सुनाने जोश टॉक्स से उन्हें रिक्वेस्ट किया कि क्या ये कोचिंग्स जोश की फैमिली से बात करेंगे और हमारे डाउट्स सॉल्व करेंगे डाउट्स जैसे कि प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करें कोचिंग लें कि नहीं कौन सी कोचिंग लें ऑफलाइन या ऑनलाइन कौन से स्टडी मटेरियल्स यूज करें क्या कोचिंग फीस में कुछ माफी हो सकती है तो दो कोचिंग्स ऑन मान गई हैं केएसजी और अनअकैडमी अब हमें कांटेक्ट करेंगे और हमारे क्वेश्चंस को आंसर करने में हेल्प करेंगे हम घर बैठे के और डी आई से अपने सारे डाउट पूछ सकते हैं और हाँ हम यहाँ एडमिशन भी ले सकते हैं तो नीचे एक फॉर्म दिया गया है अगर हम चाहते हैं कि हमें इस से फोन आए तो हम अपना नाम और नंबर शेयर कर सकते हैं आपको जब फोन आए तो मेंशन करना मत भूलना कि आप जोश फैमिली का पार्ट हैं ताकि आपको फीस पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल पाए बेस्ट ऑफ लक टू ऑल एस्पिरेंट्स जोश हमेशा हमारे साथ खड़ा है जय हिंद